नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग के आज के अंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग में आज सभी के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि रंग तरंग में आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिसने अपनी सृजनशीलता से कैनवस पर अपनी कल्पना के रंग बिखेर दिए। तो वहीं किस तरह से भगवान बुद्ध आज भारत को दुनिया के कई देशों से जोड़ रहा है, उसकी भी एक झलक। भगवान जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का क्या है रहस्य, जानने की कोशिश करेंगे। और भी है बहुत कुछ, तो देर कैसे, शुरुआत करते हैं रंग तरंग के। भगवान बुद्ध वो सेतु है जो कई देशों को भारत से जोड़ता है। ये वो देश हैं जिनके मूल में भारतीय दर्शन है और व्यवहार में भगवान बुद्ध। इनकी संस्कृतियां भी काफ़ी हद तक भारत से मेल खाती हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 25 दिवसीय एक प्रदर्शनी के हिस्से के रूप में थाईलैंड के विभिन्न स्थानों में प्रदर्शित किया गया। अब ये पवित्र अवशेष भारत वापस आ गए हैं, लेकिन उस यात्रा को राजधानी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में एक एग्जीबिशन के तहत प्रदर्शित किया गया। आइए आपको ले चलते हैं उसमें। थाईलैंड भारत के अंतर संबंधित विरासतें, बौद्ध धर्म में श्रद्धा का प्रवाह नामक प्रदर्शनी के माध्यम से भगवान बुद्ध और उनके शिष्य अरहत सारिपुत्र और अरहत मोदगलायन के पवित्र अस्थि अवशेषों की ऐतिहासिक प्रदर्शन को प्रलेखित किया गया है। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध और उनके सम्मानित शिष्यों के पवित्र अस्थि अवशेषों को भारत के बाहर एक साथ पहली बार प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस यात्रा के दौरान थाई श्रद्धालुओं का जबरदस्त उत्साह सभी अपेक्षाओं से अधिक था, जिसने भारत और थाईलैंड के बीच सभ्यतागत, पारंपरिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया है। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध और उनकी शांति और करुणा के संदेश के प्रति थाई समुदाय की भक्ति और श्रद्धा को दर्शाती है। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि भारत और थाईलैंड ने लंबे समय से ऐसे कार्यक्रमों की मेजबानी की है, जिससे उनके सांस्कृतिक संबंध और गहरे हुए हैं, और ये फोटो प्रदर्शनी इसका एक अमिट हिस्सा है। The holy relics of Lord Buddha in the collection of National Museum, New Delhi, were excavated from the present-day Piparwah, Siddharth Nagar district in Uttar Pradesh, and are associated with the erstwhile ancient city of Kapilvastu, the birthplace of Lord Gautam Buddha. Chanting ceremonies were organized by the Thai communities and Indian diaspora at all the four venues in Thailand. At most places, miles-long queues of disciplined devotees could be seen, patiently waiting for their turn to catch the glimpse of the holy relics. इस मौके पर थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा और थाईलैंड के राजदूत जदूत महामहिम पट्टारत होंगटोंग और राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉ. बी.आर. मणि भी उपस्थित थे। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने भारत से आए भगवान बुद्ध की विरासत के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत से आए अस्थि अवशेषों का थाईलैंड की श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत बड़ा अवसर था। Over 4 million devotees paid homage to the relics during this spiritual enriching exposition. The exhibition also marks the first time the holy relics of the Lord Buddha and his esteemed disciples were showcased together outside of India, which represents the deep roots of current close tie between the Kingdom of Thailand and the Republic of India. प्रदर्शनी का उद्देश्य भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों के प्रति थाईलैंड के लोगों के विशेष स्वागत और श्रद्धा को प्रदर्शित करना है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पीपरहवा से खुदाई में प्राप्त ये अवशेष प्रदर्शनी का केंद्र बिंदु हैं, जो भारत और थाईलैंड के बीच गहरे सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों का प्रतीक हैं। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि दोनों देशों के बीच जो प्रगाढ़ मैत्री है उसको और बढ़ाया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने थाईलैंड के निवेदन पे 4
स्थानों पर थाईलैंड में एक्सपोजिशन किया बुद्ध रिलिक्स का, और 4 रिलिक्स हम लोगों ने भेजी थी जो हमारे म्यूज़ियम में 20 रिलिक्स हैं उनमें से, और इनको वहाँ बैंकॉक में और उबान में, चेंगमाई में और क्राबी में, इन चारों जगहों पे कुछ कुछ दिन के लिए प्रदर्शित किया गया फरवरी और मार्च में। यह प्रदर्शनी थाईलैंड में मांगलिक समारोह और उत्सव के परिवेश की झलक को दर्शाती है जो भारत और थाईलैंड के बीच मध्य प्रगाढ़ आध्यात्मिक संबंधों को प्रोत्साहित करती है। यह प्रदर्शनी थाईलैंड के मांगलिक समारोह और उत्सवों के परिवेश की झलक को दर्शाती है जो भारत और थाईलैंड के बीच मध्य प्रगाढ़ आध्यात्मिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और गणमान्य अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। दरअसल थाईलैंड में 25 दिन चली प्रदर्शनी में 40 लाख से अधिक लोग भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन करने पहुंचे थे। ये 25 दिन की फोटो प्रदर्शनी थाईलैंड के राजा महावजीरा लोंगकोन की 6वीं साइकिल जयंती के अवसर पर मनाई जा रही है। भावना नायर, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत करने जा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के 40वें सत्र की मेजबानी। इस महायोजन से पहले एक 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें दुनिया भर से यंग प्रोफेशनल्स हिस्सा ले रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम, ये वो फोरम है जहां पर दुनिया भर से युवा पेशेवर जुड़ रहे हैं और किस तरह से वैश्विक धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज को संरक्षित किया जाए इस पर चर्चा की जा रही है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। भारत 21वीं सदी में विश्व धरोहर की थीम के तहत विश्व धरोहर युवा प्रोफेशनल्स वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 की भी मेजबानी कर रहा है। Over the next week or so, they will engage in very, very fruitful and detailed discussions on aspects like sustainable management of heritage sites, climate change and its effect on heritage sites. इस 10 दिवसीय मंच में राष्ट्रीय राजधानी में विश्व धरोहर स्थलों पर विचार विमर्श और यात्राओं का सही मिश्रण नजर आएगा। I think this goes very well along with the Honorable Prime Minister's message of Vikas Bhi, Virasat Bhi, which means development along with preservation of our cultural heritage. And India is a cultural superpower. ये फोरम हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विश्व धरोहर की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन में युवा पेशेवरों की विशेषज्ञता और क्षमताओं को बढ़ाएगा। Nowadays we are facing challenges such as climate change, such as challenges affecting the site. So this is the field of expertise of those participants and what they are expecting to have their voices heard by the international community. दुनिया भर के 50 यंग प्रोफेशनल मिलेंगे और विश्व धरोहर और सतत विकास की वैश्विक अवधारणाओं का गहन ज्ञान प्राप्त करेंगे। Climate change is real and it is now, and as young people we advocate for more policies, more climate finance to go behind the work and the promises that countries make. I'm happy to discuss various issues, challenges and opportunity related to World Heritage Convention and World Heritage Management. I look forward to learning about how India is actually addressing World Heritage Sites and what their heritage management plans are. दुनिया भर से एकत्रित हुए इन युवाओं के लिए ये भारतीय विरासत से परिचित होने का एक शानदार अवसर प्रदान कर रहा है। फोरम के अंत में युवा पेशेवर विश्व धरोहर समिति के 40वें सत्र में अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। अनिल थॉमस की रिपोर्ट, रंग तरंग, डीडी न्यूज। दिल वालों की दिल्ली, जिसका एक बेहद समृद्ध इतिहास रहा है, बेहद वैभवशाली रहा है। ये दिल्ली है जो समय की कसौटियों से गुजरने के बाद भी आज भी जीवित रहने में कामयाब है। लेकिन जब आज आप दिल्ली को देखते हैं तो क्या नजर आता है? भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम, धुआं ही धुआं। क्या उस पुरानी दिल्ली को हम वापस ला सकते हैं? गुलजार साहब ने कहा है कि ये दिल्ली की गड़ियां जो है ना, वो कहीं भूलती नहीं है, छूटती नहीं है, क्योंकि दिल्ली सिर्फ स्मारक नहीं, एक जीवंत समुदाय है और वो बेहद ताकतवर है।
उस पुरानी दिल्ली की यादों को फिर ताज़ा करते हुए और उस दिल्ली के वैभव को एक बार फिर वापस लाने के लिए शुरुआत हुई है वो दिल्ली प्रोजेक्ट की। क्या है ये वो दिल्ली प्रोजेक्ट, किस तरह से अतीत और वर्तमान को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश है, कैसे आज के युवा को उस शानदार दिल्ली के दर्शन कराने की कोशिश है, आइए आपको बताते हैं। SGT यूनिवर्सिटी में एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया और संरचना फाउंडेशन ने शुरुआत की है वो दिल्ली प्रोजेक्ट की। इस परियोजना का शुभारंभ हुआ प्रख्यात गीतकार निर्देशक गुलजार साहब, दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, इतिहासकार स्वप्ना लिडल सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में। इस मौके पर दिल्ली को लेकर सभी ने अपनी यादें साझा की। गुलजार साहब ने दिल्ली की पुरानी यादें साझा करते हुए इसके समृद्ध इतिहास, जीवंत लोगों और प्रतिष्ठित स्थलों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गलियां ऐसे नहीं भूली जाती। मिर्जा गालिब को एक अलग गुंजन थी जब कहते थे कि है अब इस मांगोरी में कहते हमें उल्फत असद, हमने माना कि रहे दिल्ली में पर खावे की क्या, वो तो अपनी पेंशन लेने के लिए दिल्ली से निकल गए कलकत्ता की तरफ और हम कहीं रोजगार के सिलसिले में बम्बई चले आए। हालांकि एक सदी का फासला है, लेकिन उनसे पूछिए जो पुरानी दिल्ली में रहे हों तो दिल्ली कैसी लगती है। कार्यक्रम में पुरानी दिल्ली के जीवन परतों और विकास को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरों और मानचित्रों की एक विशेष प्रदर्शनी भी शामिल थी। प्रोजेक्ट सत्रों में पुरानी दिल्ली की विरासत, इतिहास और संस्कृति का पता लगाया गया, सदियों से इसके विकास पर चर्चा की गई। शाहजहानाबाद जो है वो उसको बचाना या उसको ठीक ठाक रखना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है कि ये कोई खंडहर नहीं है, ये जीता जागता एक हमारा शहर है। ये पहल अतीत और वर्तमान को जोड़ती है जो शहर के इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस परियोजना में मॉडल, चित्रण, चित्र और कहानियां शामिल हैं जो दिल्ली के ऐतिहासिक चित्रों का एक विस्तृत अनुभव प्रदान करती है। नॉर्थ इंडिया में मेरा मानना यह है कि 4 या 5 शहर है जिसमें हमारे रोम रोम जो हमारा भारतीय कल्चर है वो बसा हुआ है। अगर काशी है और काशी के मोहल्लों में आप जाएं और हर मोहल्ले में आपको एक मंदिर मिले, एक अच्छा घर मिले, अगर आप लखनऊ जाएं तो वहाँ एक कल्चर मिले, अगर मथुरा जाएं तो एक कल्चर मिले, उसी तरह दिल्ली में, दिल्ली की गली गली में एक कल्चर बसा हुआ है। ये मानचित्र वर्तमान पुरानी दिल्ली और शाहजहांबाद के बीच एक छवि बनाता नजर आता है जो दर्शाता है कि समय की कसौटियों से गुजरने के बावजूद शहर कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा है और आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चर्चा में हिस्सा लेने पहुंचे इतिहासकारों ने यह माना कि दिल्ली की संस्कृति सह अस्तित्व और इतिहास का प्रतीक है। यहाँ संरक्षण करने के लिए केवल स्मारक नहीं है बल्कि एक जीवंत समुदाय भी है। उम्मीद की जा रही है कि इस परियोजना से दिल्ली के ऐतिहासिक सार को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली कभी एक जीवंत शहर था, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि ये फिर से पनपे। रंग तरंग, TD न्यूज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम तो पूरे विश्व में देखी गई। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे और देश के अलग अलग राज्यों में भी ये रथ यात्रा निकाली गई। लेकिन क्या कभी आपने जल रथ यात्रा के बारे में सुना है? आइए आपको ले चलते हैं उड़ीसा के चिल्का लेक, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की जल रथ यात्रा निकाली गई। क्या है खास इस जल रथ यात्रा में, आइए आपको दिखाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में उनके श्री मंदिर में वापस आने का दिन ओडिशा में बाहुला पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्तमान में श्री मंदिर और गोंडीचा मंदिर के बीच एक नदी बहती थी और इस रथ यात्रा को पहले जल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी चिल्का झील में भगवान श्री जगन्नाथ की जल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और ये विश्व में अपनी तरह का अनूठा उत्सव है।
ये चिल्का का झील के अंदर एक 22 एकर्स का एक आइलैंड है और 1731 मसीहा में महाप्रभु यहाँ पे विराजमान किए थे 4 मास 16 दिन के लिए। तो मुगल पीरियड में जो 18 टाइम्स से अटैक हुआ था उसमें से 22 टाइम्स जगन्नाथ जी को पंडा पड़ियारी जो सेवा थे वो डिफरेंट जगह में लेके रखे थे, छुपा के रखे थे। उसमें से ये एक ही जगह है 1731 मसीहा में, यहीं पे जगन्नाथ जी थे। ओडिशा में एशिया की सबसे बड़ी चिल्का झील के कांकड़ सीखरी के टापू में दुनिया की इकलौती जल रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि मुगल काल में श्री मंदिर पर आक्रमण की वजह से भगवान जगन्नाथ को अपना रत्न सिंहासन छोड़कर इसी जगह पर 4 महीने से ज्यादा का वक्त बिताना पड़ा था। आज यहाँ पर स्थानीय निवासी भगवान श्री जगन्नाथ के रथ के चक्र का पूजन करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का टेम्पल को 18 बार आक्रमण किया हुआ है बाहर के जवान लोग, और महाप्रभु 22 बार रत्न सिंहासन छोड़ के बाहर को भक्त लोग लुकाए हैं। ये कांकर से कांकरसिकरी एक जगह है चिलिका का अंदर, 25 एकड़ करीब जगह है, जंगल था वहाँ, जंगल ही जंगल, भक्त लोग लाके यहाँ से छिपाए थे। स्थानीय प्रशासन ने भी इस रथ यात्रा के माध्यम से यहाँ के आसपास के इलाके में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू किया है और अब चिल्का विकास प्राधिकरण इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। ये एक आइलैंड के टाइप का चीज है, तो यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल भी बहुत है। टूरिस्ट दे कम हियर ऑल ईयर राउंड। यहाँ पर रथ यात्रा के टाइम आप इतना भीड़ देख रहे हैं, हालांकि इतना भीड़ दूसरे समय में नहीं होता है, फिर भी लोग इन द विंटर सीजन दे कम हियर, दे एंजॉय द लैंडस्केप, दे एंजॉय द ब्यूटी ऑफ चिलिका अलोंग विद दिस फॉरेस्टेड एरिया। इस अनूठी रथ यात्रा से आसपास के सामाजिक जनजीवन में भी सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है और लोग विकास के मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि प्रकृति आर्टिस्ट को, कलाकार को बहुत इंस्पायर करती है। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली की त्रिवेणी आर्ट गैलरी में हूँ, जहाँ पर आप एक ऐसी ही प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों को यहाँ पर समेटने की कोशिश की है आर्टिस्ट ने। इसका नाम है बिटवीन दीज लाइंस इन दिस स्पेस आई रूट एंड ग्रो। और यहाँ पर खास तौर पर आप हर तस्वीर में देखेंगे कि किस तरह से प्रकृति के विभिन्न मूड्स को यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की है आर्टिस्ट सीमा पांडे ने। कहीं पे आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, कहीं पे आपको रंग दिखेंगे। और उनका कहना है कि उन्होंने अपने किसी भी क्रिएशन को, कैनवस को कोई नाम नहीं दिया है। वो ये चाहती हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, वो खुद उसे इंटरप्रेट करें और उसे अपना नाम दें। तो किसी को यहाँ पर प्रकृति दिखती है, किसी को यहाँ पर अपना चेहरा दिखता है, और कहीं ना कहीं हम खुद को इन तस्वीरों में, इन कैनवस में ढूंढने का प्रयास करते हैं। और साथ ही इस प्रदर्शनी में उन्होंने विभिन्न माध्यमों के जरिए अपनी बात कही है, अपनी क्रिएशन कही है। यहाँ पर आप कैनवस देख सकते हैं, जहाँ पर कलम से, रंगों से प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर इस इंस्टॉलेशन में धागे से उन्होंने उसी पेड़ को रिक्रिएट करने का प्रयास किया है जिसकी तस्वीर अभी आपने देखी। तो काफ़ी खूबसूरत कोशिश है यहाँ पर प्रकृति से खुद को इंस्पायर करने की और साथ ही दर्शकों को जोड़ने की, कि किस तरह से वो प्रकृति के विभिन्न मूड से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। और क्या खास है इस प्रदर्शनी में, आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। विस्तृत पथ जीवन के फैली पगडंडियां, दुख सुख की, विस्मय की, इन्हीं को रचती हो, इन्हीं पर विचरती हो, इन्हीं पर ठहरती हो। जीवन की तपती दोपहरी में घनी एक सपनीली छांव। प्रख्यात लेखक प्रयाग शुक्ल ने इन पंक्तियों के साथ सीमा पांडे की प्रदर्शनी का वर्णन किया है। सीमा पांडे के चित्र और रेखांकन सहज ही अपनी ओर आपका ध्यान खींच लेते हैं। एक प्राकृतिक सुंदर लयपूर्ण संसार में उतर जाने का एहसास कराते हैं। इस पूरी प्रदर्शनी का टाइटल है बिटवीन दीज लाइंस इन दिस स्पेस आई रूट एंड ग्रो। ऑफ कोर्स टाइटल बाद में आया। ये काम मैं पहले शुरू कर चुकी थी, यहाँ पे 2 साल पहले मेरा काम एग्जीबिशन थी, तो गैलरी में बैठ के ही शुरू करा था ये काम।
और नेचर है, बहुत इंस्पायर करता है नेचर मुझे, हर पेंटिंग में कहीं कहीं नेचर है। इंडोर भी अगर आप देखोगे तो नेचर का पार्ट है उसमें। ज़्यादातर चारकोल और एक्रेलिक यूज़ किया था और वो कैनवस थोड़ा लार्ज मीडियम साइज़ कैनवस थे और वो बहुत एक्शन बेस्ड था काम। कि ये भी इंट्यूटिव है, इसमें भी पहले से प्लान नहीं करती हूँ कुछ, आई जस्ट स्टार्ट। वो भी इंट्यूटिव है, दैट्स अ कॉमन एलिमेंट दोनों में, पर वो बहुत एक्शन बेस्ड है और ये शांत बैठ के एक जगह इसमें ड्राइंग्स एंड डिटेलिंग्स हैं बहुत। सीमा पांडे के चित्रों में, रेखांकनों में कथा और कविता दोनों के गुण मानो शामिल नजर आते हैं। सीमा के चित्रों रेखांकनों में जो एक प्रकार की यथार्थ प्रियता और स्वप्नशीलता है, वे उन्हें सम्मोहक और आत्मीय बनाती है। मेरे को यहाँ पे सबसे अच्छा लगा कि एक लड़की का इमेज है हर पेंटिंग में, कहीं आर्टिस्ट अपने आप को पेंटिंग में देख रही है, मुझे उसका परसेप्शन बहुत पसंद आया। उस लड़की में मैं अपने आप को भी देख सकती हूँ और वो अलग अलग जगह प्रेजेंट है, अलग अलग जगहों पे गई है, जैसे कहीं नेचर में, कहीं पेड़ों में खोई हुई है आर्टिस्ट, मैं भी अपने आप को वहीं पे ढूंढती हूँ। यहाँ पर आए दर्शकों ने अपने अंदाज में इन कैनवस पर खुद को ढूंढने की कोशिश की, उनके पीछे छिपे हुए अर्थों को जानने का प्रयास किया। हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड है, बट व्हेन वी लुक एट देम, उनमें इतनी ज़्यादा इंट्रिकेसी, हार्डवर्क और क्रिएटिविटी दिखती है। लाइक वी सी थिंग्स लाइक दैट, हम अपनी डेली लाइफ में वो सब चीज़ें देखते हैं, बट उनको ही एक मोर क्रिएटिव वे में यहाँ पे करा गया है। मेरे ख्याल से जो पेन एंड इंक एंड थोड़ा सा रंग आ रहा है बीच में, इट्स रियली एक्सक्विजिट, वेरी पीसफुल, वेरी नाइसली डन, इट्स रियली नाइस। और नेचर की थीम्स हैं, कई बार फर्नीचर है बीच में, आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छी फीलिंग आती है देख के। उनके द्वारा रची इमेजेस आपको याद रह जाएंगी। इस प्रदर्शनी में आके आपको एक सुकून सा महसूस होगा। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। एक कलाकार की कल्पनाशीलता की, उसकी सृजनशीलता की कोई सीमा नहीं होती और यही हम देखते हैं किसी भी कलाकार के काम में, चाहे वो किसी आर्ट गैलरी में हो या फिर किसी मंच पर। रंग तरंग के जरिए हमारी कोशिश होती है कि उन कलाकारों से आपकी मुलाकात करा सकें जो कहीं ना कहीं आपको भी प्रेरित करेंगे, आपके अंदर छुपे हुए कलाकार को बाहर निकालने में और आपको अपनी प्रतिभा को समझने में, पहचानने में। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। रंग तरंग का आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक जुड़े रहिए कला के किसी ना किसी रूप से और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।